यानी 4000 मेगावाट का पावर प्लांट बन रहा है। तो प्लांट में काम करने के लिए सभी जगह का मोटा मोटी एक ही जैसा नियम रहता है कि सबसे पहले हम लोग का मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद जो सेफ्टी ट्रेनिंग होता है, सेफ्टी ट्रेनिंग में समझाया जाता है किस तरह हम लोग सेफ्टी से काम करेंगे डेजिग्नेशन वाइज, जिसका जो डेजिग्नेशन है उसको कैसा पीपीई लेके काम करना है, जो ग्राइंडर है उसको बॉडी अपरन पहनना है, फेस शील्ड पहनना है, सेफ्टी शू पहनना है, सब पहन के सेफ्टी जैकेट, ये वाला जैकेट रिफ्लेक्टिव जैकेट नहीं पहनना है, क्योंकि जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो उससे स्पार्क निकलता है, चिंगारी निकलता है, हॉट वर्क कर रहा है, ग्राइंडिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, इस टाइम में ये वाला नहीं पहनना, इसमें आग जल्दी पड़ता है, तो इसमें बाकी टाइम में आप पहन सकते हैं, तो इसमें आग चटक धर लेगा तो जिसमें हम लोग आग के चपेट में आ जाएंगे, तो उसको जो ग्राइंडर वेल्डर गैस कटर जो भी हॉट वर्क कर रहा है या उसके पास में बैठा हुआ उसका हेल्पर है उसको भी ये जैकेट उस टाइम नहीं पहनना है, क्योंकि वो चीज अगर ग्राइंडर ग्राइंडिंग कर रहा है, वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है, तो उसका हेल्पर को भी उठ के पड़ेगा, तो उसको भी उस टाइम ये जैकेट उतार देना है, वेल्डर को बॉडी लेदर बॉडी एप्रन पहनना है, लेदर का बॉडी एप्रन आता है वो वाला फुल बॉडी एप्रन पहनना है, पहन के ही करना है, उस टाइम ये जैकेट खोल के काम कीजिए। उसके अलावा जो फेस शील्ड लगता है वो फेस शील्ड कीजिए, उसके दिन में जो हम लोग काम करते हैं तो शाम में वेल्डर कंपलसरी आँख में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी मारिएगा, दोपहर में मारिए, लंच के टाइम में, शाम में मारिए, उससे क्या होगा आप आज आपको लाइट लगा उस टाइम थोड़ा काम करता है, नेक्स्ट डे सुबह में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वो ग्लास लगाए रहते हैं फेस शील्ड, फिर भी कभी कभी लाइट लग जाता है, उसका हेल्पर जो पास में रहता है उसको भी वहाँ पे काला ब्लैक गॉगल्स काला चश्मा पहन के रहना है, क्योंकि वो भी वेल्डर कर रहा काम बहुत टाइम क्या रहा है, हेल्पर उसके पास में बैठा वो ऐसी करके खड़ा रहता है हाथ को ऐसी आर्म देके, फिर भी कभी वेल्डर बोलता है ये भरा कोई जरूरत पड़ता केबल आगे को घसता है तो उसको लाइट लग ही जाता है, तो बाद में आप लोग आते हैं उसे ड्रॉप डालिए, तो वहाँ पे हम पहले से ब्लैक गॉगल्स लेके उसके साथ वेल्डर के साथ रहें, वो इशू करवा लीजिएगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर स्टोर से दिला दिया जाएगा। इसके अलावा ग्राइंडर है तो ग्राइंडर भी फेस शील्ड पहन कर ही काम करना है, उसके साथ जो हेल्पर है उसको भी गॉगल्स पहन कर काम करना है। इसके अलावा हम लोग को डेली तो कार्य करते हैं, करने के बाद नेक्स्ट डे सुबह में जब काम शुरू करने जाते हैं तो देखिएगा आज जो काम किए हैं वहाँ पे कचरा टाइप का क्रिएट हो ही जाता है, तो वो वेस्ट को हमको नेक्स्ट डे सुबह में काम में लगने से पहले उस जगह को अपना जगह साफ कर लेना है, जो भी स्क्रैप वगैरह गिरा हुआ उसको उठा के हमें बाहर फेंक देना है स्क्रैप यार्ड में, उसके बाद आप अपना काम कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम आप लोग केबिल देखते हैं, केबिल का जो इशू है कि आप लोग पचास पेच मार के छोड़े रहते हैं, वो नहीं उछराया हुआ ऊंचा नीचा कर एक लाइन सिंगल लाइन से स्थानीयगा केबिल, वेल्डिंग का केबिल हो, रिटर्न पाथवे जो रहता है केबिल, इलेक्ट्रिकल केबिल हो, जो पावर का केबिल रहता है उसको भी वो उछराना हुआ रहता है, बहुत टाइम उसमें पाँव चपेट में आता है, और एक चीज़ उसमें इंसुलेशन का प्रॉब्लम आप लोग का रहता है कि आप लोग जैसी तैसी उसको जोड़ देते हैं, वो जोड़ना नहीं है, क्योंकि देखिएगा बहुत टाइम वो हाथ में हैंड ग्लव्स नहीं रहता है, ऐसी कोई बोला कि हटाने के लिए वहाँ पर से हाथ से दे दिए तो करंट लगेगा, भले वो सेफ्टी के लिए आप लोग RCC भी प्रोवाइड किया है लेकिन फिर भी हमारा ये है कि क्यों ये करेंगे, थोड़ा भी करंट नहीं खाना है, जीरो हम लोग का मोटिव है एम है कि जीरो हम, कोई भी नुकसान नहीं हो बॉडी में, थोड़ा बहुत देखते हैं यही थोड़ा थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा हम लोग का कहीं ना कहीं कट जाता है छिल जाता है, तो इसका एक ये रेशियो भी है कि 300 बार आपका अगर नियर मिस हुआ तो 29 बार आपका माइनर इंजरी हुआ, 29 बार माइनर इंजरी के हिसाब से जो कि रिसर्च किया गया एक फैटल इंजरी होता है, तो हमें सबसे पहले नियर मिस को रोकना है। नियर मिस क्यों होता है, ये छोटा छोटा चीज़ को हम लोग जो इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, है दो क्या होगा तुमने, तो अगर आप दूसरा का यार्ड है फिर भी वहाँ पर अगर आप कुछ गलत देख रहे हैं तो उसको सुधार लेना है, सुधार के अपना कार्य में जाना है, ये नहीं कि उसका यार्ड है या उस ठेकेदार का या उसका काम है तो वही करेगा, नहीं, कुछ भी कहीं पर गलत है अनसेफ है नज़र आता है आपको आप उस टाइम उसको एक्शन लीजिए, नहीं तो वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर है उसको इन्फॉर्म कीजिए, नहीं तो साइट पर साइट इंजीनियर है उसको तुरंत बताइए, उसको रेक्टिफाई कीजिए, उसको नज़रअंदाज कभी मत कीजिए कुछ अनसेफ देखते हैं तो। रीगर का है आप लोग में कोई रीगर है, रीगर नहीं है, रीगर है, रीगर का है कि जब भी मटेरियल आप ले जाते हैं तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि हाइड्रा जो है उसका जो स्विंग एरिया है उसके चारों तरफ आपका नज़र रखना है, दो ही आँख है लेकिन चारों तरफ हाइड्रा के आपको नज़र रखना है,
ये क्योंकि हार्ड ड्राइव बहुत टाइम मटेरियल लेके इधर स्विंग करता है, दूसरा हार्ड ड्राइव आता है, दूसरी गाड़ी आती है, तो उसे आपको रोकना है, सिग्नल देना है, आप अपना मटेरियल ले जाइए, मूव करने पड़ता है बहुत टाइम मटेरियल इस छोर में आप पकड़ के हैं, उस छोर में किसी को नहीं लग जाए, ये सब करके आपको पूरा सुरक्षित तरह से एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल ले जाना है, ठीक है। इसके अलावा आगे सर कुछ दिखाएंगे बताएंगे सेफ्टी रिगार्डिंग और कुछ वीडियोस वगैरह है वो देखिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम कोई इशू है तो उसको आप अपना बात रखिएगा, ठीक है। आप लोग में